आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए हमारा क्वेश्चन है, किसकी क्रियाशीलता के कारण वृद्धि वलय बनती है। चार ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, अंतरम्भीय कैम्बियम, ऑप्शन बी है अंतर्वर्षीय कैम्बियम, ऑप्शन सी भारी रम्भीय कैम्बियम और ऑप्शन डी है प्राथमिक कैम्बियम। तो देखिए किसकी क्रियाशीलता के कारण वृद्धि वलय बनती है। देखिए डाइकोट के तने में, डाइकोट के तने और जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में देखिए डाइकोट तने और जड़ों में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक इंट्राफेसिकुलर या इंट्रास्टेल्युलर कैम्बियम मौजूद होता है। इंट्रास्टेल्युलर कैम्बियम मौजूद होता है। देखिए इंट्रास्टेलर कैम्बियम यानी कि अंतःरम्भीय कैम्बियम, अंतःरम्भीय कैम्बियम इसमें मौजूद होता है। देखिए अंतःरम्भीय कैम्बियम के किनारों के बीच में, अंतःरम्भीय कैम्बियम के किनारों के बीच मौजूद पित्त किरणें जो होती हैं, किनारों पे मौजूद पित्त किरणें के अंतःरम्भीय कैम्बियम के किनारों के बीच मौजूद पित्त किरणें दो सहवनी बंडल, पित्त किरणें जो हैं ये दो सहवनी बंडल ठीक है, दो सहवनी बंडल यानी कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बीच में एक नई कैम्बियम पट्टी बनाने के लिए विभाजित होती है, के बीच में एक नई कैम्बियम पट्टी, नई कैम्बियम पट्टी बनाने के लिए विभाजित होती है। ठीक है, इस प्रकार इंटर और इंट्रा, इस प्रकार क्या होता है कि इंटर और इंट्रा, इंटर और इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम देखिए इस प्रकार इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कैम्बियम जो है वो एक साथ एक पूर्ण कैम्बियम रिंग बनाता है, ये मिलकर के एक साथ एक पूर्ण कैम्बियम रिंग बनाता है, पूर्ण कैम्बियम रिंग यानी एक वलय बनाता है जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, जिसे ये पूर्ण कैम्बियम रिंग का निर्माण हुआ है ये वैस्कुलर से वैस्कुलर वैस्कुलर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, जो कि अंदर की तरफ एक सेकेंडरी, जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। अंदर की तरफ तो सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। देखिए शरद ऋतु और वसंत ऋतु के दौरान विभेदक कैम्बियम की गतिविधि के परिणाम स्वरूप संकीर्ण और चौड़े द्वितीयक जाइलम वलय होते हैं, के परिणाम स्वरूप संकीर्ण और चौड़े
संकीर्ण और चौड़े द्वितीयक जाइलम वाले होते हैं। द्वितीयक जाइलम वाले, द्वितीयक जाइलम वाले होते हैं जो कि एक साथ वार्षिक वृद्धि वाले बनाते हैं। ये मिलकर के एक साथ वार्षिक वृद्धि वलय, वृद्धि वलय का निर्माण करते हैं या बनाते हैं। देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा कि किसकी क्रियाशीलता के कारण वृद्धि वलय बनती है। तो देखिए अंतःरम्भीय केम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि वलय का निर्माण होता है, जबकि अंतर्वेशी केम्बियम की या फिर भारे रम्भी केम्बियम या प्राथमिक केम्बियम की क्रियाशीलता के कारण वृद्धि वलय नहीं बनती है, इनका निर्माण वृद्धि वलय का निर्माण नहीं करती है। तो ऑप्शन ए अंतःरम्भीय केम्बियम ही हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।